सजीवों में पोषण। नमस्कार बच्चों, राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता शर्मा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा, विद्या मंदिर अभनपुर से। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सजीवों में पोषण। आपको मालूम है कि हम लोग अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा के लिए हमें क्या करना होता है, हमें भोजन ग्रहण करना होता है ना। उस भोजन का हमारे शरीर में जाकर किस तरह पाचन होता है और वह किस तरह हमारे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, यह हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब किसान खेत में जाता है तो सबसे पहले वो फसल बोने के पहले मिट्टी का परीक्षण करता है। वो मिट्टी के परीक्षण के द्वारा क्या जांचता है कि उस मिट्टी में कितने पोषक तत्व है और पोषक तत्व है कि नहीं। उस पोषक तत्व के जानने का उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि अगर पोषक तत्व नहीं है उसमें तो उस पोषक तत्व को वो खाद के द्वारा दे सके, ताकि बीज में से अंकुरण हो सके और पौधे उग सके। तो बच्चों, आज हम इसी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पौधों के विषय में पढ़ेंगे कि पौधों को पोषक कैसे मिलता है, पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं। तो अधिकांश हरे पौधे क्या होते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा, सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो इस तरह से पौधे क्या हुए, स्वपोषी हुए, यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। अब हम आते हैं कि किस तरह से पौधे, एक प्रयोग के द्वारा हम इसे देखेंगे कि सबसे पहले हम इस प्रयोग के लिए हमें आवश्यकता होगी एक बीकर की, परख नली की, काला कपड़ा, हाइड्रीला का पौधा और जल। तो क्या करेंगे बच्चों कि एक बीकर में पानी लेंगे और उस पानी के अंदर में हम हाइड्रीला का पौधा, हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है जो पानी में उत्पन्न होता है, पानी में अपना ग्रोथ करता है, पानी में बढ़ता है। तो उस पौधे को हम उस बीकर में डालेंगे। उस बीकर में डालने के बाद हम उसमें कीप को उल्टा रख देंगे। कीप यानी कि जैसे अपन लोग तेल वगैरह डालने के लिए एक कुप्पी निकल लगाते हैं ना, उस तरह की कीप होती है। तो उस कीप को हम उस बीकर में डले हाइड्रीला के पौधे के ऊपर उल्टा रख देंगे और उसके ऊपर में हम पानी से भरी एक परख नली को रखेंगे। पानी से भरी परख नली को उल्टा रखेंगे तो हम देखेंगे कि आधा घंटा उसको धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद में आधा घंटा उसको धूप में जब जैसे ही रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा और ऑक्सीजन के निर्माण से क्या होगा बच्चों कि एक बुलबुले उठने लगेंगे। बुलबुले उठेंगे और जो परख नली का जल स्तर है वह नीचे होते जाएगा। जल स्तर नीचे होने से क्या होगा बच्चों कि ऊपर में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होते जाएगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धूप में निरंतर जारी रहेगी। तो बच्चों क्या होता है कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरी। उस पर्णहरी सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको समझ में आई होगी। इसको इस तरह से हम परिभाषित करते हैं कि सूर्य प्रकाश की स्थिति में, उपस्थिति में जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की सहायता से, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कुछ पौधे क्या करते हैं जिनमें पर्णहरी यानी क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, तो वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं और ऐसे पौधों को हम कहते हैं परपोषी, परपोषी पौधे। परपोषी पौधे हम उन्हें कहेंगे जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं,
अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? परजीवी पौधे। तो इसका एक उदाहरण हम देते हैं आपको अमरबेल के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई पेड़ों पर पीले रंग की बेलें लपटी होती है, उसे हम कहते हैं अमरबेल। वह अमरबेल सर फिर से स्टार्ट करें। तो अमरबेल क्या होती है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। तो दूसरों के निर्भर होने के कारण मैं शुरू से पढ़ा देती हूँ सर, तो है ना। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सजीवों में पोषण। तो बच्चों क्या होता है कि किसान बीज बोने से पहले मिट्टी का परीक्षण करता है। मिट्टी के परीक्षण से उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, और इस जानकारी के द्वारा वह यह निष्कर्ष निकालता है कि खाद के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में उसे सप्लाई करनी है, देनी है। तो पौधों की तरह सभी जीवों में भी जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए तथा वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको हम किससे पूर्ति करते हैं? भोजन के द्वारा। तो बच्चों आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं पौधों में पोषण, यानी पौधों को किस तरह से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है बच्चों, अधिकांश हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार जो पौधे करते हैं उन पौधों को हम कहते हैं स्वपोषी पौधे। आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों कि किस तरह सूर्य की रोशनी पौधों पर पड़ती है और पौधे पौधे नहीं पहले मैंने सुना क्या होता है कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है पौधे पे और पत्तियां भोजन बनाने का, जिस तरह से घर में माँ भोजन बनाती है उस तरह पौधों में पत्तियां भोजन बनाती है। तो सूर्य की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद के द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर में वो होता है, बाहर छोड़ते हैं वो लोग। तो इस तरह से उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? सांस लेने में उपयोग में लाते हैं, और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाने में उपयोग में लाते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि पौधे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे द्वारा छोड़ी हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन को हम लोग के लिए देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक प्रयोग की तरफ। इस प्रयोग में आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों कि क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी। बीकर की आवश्यकता होगी, परख नली की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, कीप की, और एक पौधा जो जलीय पौधा है जिसे नाम दिया गया है हाइड्रोलिया का पौधा। तो क्या करना है? पहले एक बीकर में पानी लेना है और उसमें नीचे में हाइड्रिला का पौधे को डाल देना, और उस हाइड्रिले के पौधे के ऊपर में कीप को उल्टा रख देना, और उस कीप के ऊपर में पानी से भरी हुई परख नली को हम उल्टा रख देते हैं, और हम इस पूरे बर्तन को आधे घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तो आधे घंटे में हम लोग क्या देखते हैं कि पानी के बुलबुले परख नली में ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ऊपर की जगह क्या हो रही है? खाली होते जा रही है, पानी नीचे की ओर आते जा रहा है। तो यह क्यों हो रहा है पता है बच्चों? क्योंकि हाइड्रिला का पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण हो रहा है? ऑक्सीजन का, और वह ऑक्सीजन इकट्ठा हो रही है परख नली में ऊपर की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि किस तरह से जो परपोषी पौधे हैं, या तो हो गया स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उनके पौधे भोजन बनाने की उसको प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की। परंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं परपोषी पौधे। इसका एक उदाहरण है अमरबेल। आप चित्र में देख रहे होंगे बच्चों कि एक पेड़ पर किस तरह से पीले रंग की बेल लटकी हुई, यह अमरबेल है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यह अपने भोजन के लिए
जो जिस पौधे पर वो लिपटी है उस पर निर्भर रहती है। तो अमर बेल एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पौधे पर लिपटा रहता है, और इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जिसको कहते हैं हम चूस्का। ये क्या करते हैं, पौधों में गड़ जाते हैं और उन पौधों में से जो पौधा जो भोजन बनाता है उस पौधे को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और स्वयं बढ़ते रहते हैं। परंतु उस पौधे को वो भोजन नहीं मिल पाता तो वो पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो अमरबेल एक पूर्णतया परजीवी पौधा है। अब हम दूसरी उस पर आते हैं, आंशिक परजीवी पौधे पर। आंशिक परजीवी पौधे कैसे होते हैं कि आंशिक परजीवी पौधे ऐसे होते हैं कि आंशिक परजीवी पौधे ऐसे होते हैं कि वो कुछ मात्रा में भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, परंतु पानी और खनिज लवण के लिए वो पोषक पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी कुछ मात्रा में भोजन बना रहे हैं परंतु पानी और खनिज लवण की पूर्ति दूसरे पौधे कर रहे हैं। तो इस तरह के पौधों को हम कहते हैं आंशिक परजीवी पौधे। इनका उदाहरण है भांगरा और बंडा। ये ऐसे पौधों के नाम हैं जो आंशिक परजीवी। अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं, मृतोपजीवी पौधे पर। मृतोपजीवी पौधे ऐसे होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव भी ऐसे होते हैं जो सड़े गले मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो पौधे और जीव होते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। आप लोग बच्चों मशरूम की सब्जी बड़े शौक से खाते होंगे। मशरूम मृतोपजीवी पौधा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता और अपने उसके जीवन के लिए किस पर निर्भर होता है, सड़े गले मृत जीवों पर। और मशरूम भी दो तरह के होते हैं, एक तरह जो जहरीला होता है उसे नहीं खाते अपन लोग, परंतु जो अच्छा होता है उसे हम भोजन के रूप में अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो यह मृतोपजीवी पौधा है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, वो है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं कि कुछ जो पौधे ऐसे होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं परंतु आंशिक तौर पर, यानी नाइट्रोजन के लिए, किसी और चीज़ों के लिए वो किस पर निर्भर होते हैं, कीटों पर निर्भर होते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते तो हैं परंतु भोजन का कुछ भाग कीटों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे। तो ये कीटों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इनके पौधों में एक पत्तियों के आकार की आकृति होती है। हाँ, आप नीचे में चित्र में देख रहे होंगे, इसे हम कलश पादप कहते हैं। यानी जो नीचे का हिस्सा है और ऊपर में जो ढक्कन के आकार का एक पत्ता है, वो पत्ता क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही कोई कीट है उस पर चिपक यानी आके बैठता है, वो ढक से पट से क्या करता है, वो ढक्कन को बंद कर देता है। तो इस तरह से यह कुछ मात्रा में जो भोजन की प्राप्ति करते हैं वो कीटों के द्वारा करते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधे। उदाहरण के लिए कलश पादप कीट भक्षण द्वारा या पौधों से क्या प्राप्त करता है, कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं उन्हें, इस तरह के पौधों को हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधे। अब हम आते हैं सहजीवी पौधे। सहजीवी जैसे नाम से ही आपको पता हो रहा होगा कि साथ साथ में, यानी कुछ मात्रा में वो पौधे इन पर निर्भर होते हैं और कुछ मात्रा पे ये पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी इस तरह से ये जीवन को कैसे चलाते हैं, एक दूसरे के सहारे से। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, सहजीवी पौधे। तो क्या होता है बच्चे, जब आप लोगों के खेतों में चना वगैरह अरहर की जब खेती होती है तो आप जब उसको उखाड़ते हैं लास्ट में, तो आप देखते होंगे कि उनके पेड़ की जो जड़ों में क्या होता है, गिठान रूपी आपको वो मिलते हैं, गिठान द्वारा यानी जो जड़ है उसमें गिठान गिठान के रूप में कुछ चीज़ दिखती है। तो अब इसके विषय में ही हम पढ़ेंगे कि कुछ पौधों की जड़ों में गांठों जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसमें एक विशेष जाति के क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वायु में से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसको बदल देते हैं नाइट्रोजनों के यौगिक में, यानी नाइट्रोजन की क्रिया किसी और से कराकर उसको नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन को वायु में से ले लेते हैं और उसको बदल देते हैं नाइट्रोजन के यौगिक में। और ये नाइट्रोजन के यौगिक क्या करते हैं, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन जीवाणु द्वारा ग्रहण किया जाता है और जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, नाइट्रोजनों के यौगिक
नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में बदलकर वो पौधे को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे वो जीवाणु ग्रहण करते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को एकत्रित कर नाइट्रोजनों के यौगिक को जो क्या कौन प्रयोग में लाता है, पौधे प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार जीवाणु और पौधा क्या करते हैं, एक दूसरे से सहयोग से क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से जो पौधे करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहजीवी पौधे। तो इसका परिभाषा कैसे हुआ कि कुछ पौधों की जड़ों में जो गांठों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं उनमें एक विशेष जाति के जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजनों को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, और ये नाइट्रोजन के यौगिक पौधों के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। पौधों द्वारा बनाया गया भोजन जीवाणु द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, और जीवाणु और पौधा एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे, सहजीवी पौधे। अब हम अभी तक हमने पढ़ा पौधों के पोषण के विषय में और पौधों के पुष्टर, अब हम आते हैं जंतुओं में पोषण। तो बच्चों सबको मालूम है जंतु के अंतर्गत मनुष्य भी आते हैं, और मनुष्य आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, परंतु हम जो खाना बनाते हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, और पौधों से प्राप्त होने के कारण हम परपोषी होते हैं। तो जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, और विभिन्न जीव भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। यानी कि उसके अंतर्गत मनुष्य तो आएंगे नहीं, उसमें पशु भी आएंगे, और यानी कि ऐसे भी जीव जंतु आएंगे जो हमें अपने आँखों से दिखाई नहीं देते। तो अब हम इसके विषय में देखेंगे कि विभिन्न जीव भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अब हम आते हैं आगे अमीबा पर। अमीबा आप सबसे पहले चित्र में देख रहे होंगे, अमीबा का चित्र है। अमीबा किसी भी आकार का हो, एक कोई इसका निश्चित आकार नहीं होता बच्चों। तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, और वह अपने कूट पात के द्वारा, देखो देख रहे होंगे आप उसके अंदर में एक दो किस तरह से भोजन का एक टुकड़ा है उसको किस तरह से घेर रहा है। आप पहले चित्र में देखे होंगे कि वो भोजन के टुकड़े को घेर रहा है, दूसरे बार उसको अंदर कर लिया, और तीसरे बार पूर्णतया वो भोजन का टुकड़ा कहाँ चले गया, अमीबा के अंदर चले गया। तो इस तरह से अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए किसका प्रयोग करता है, कूटपाक का। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे बच्चों, वो चित्र है हाइड्रा का। हाइड्रा में आप देख रहे होंगे कि कुछ यानी निकली हुई टाइप की दिख रही है, पत्तियां टाइप का आकार दिख रहा है, उसे कहते हैं स्पर्शक। तो हाइड्रा क्या करता है, स्पर्शकों के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। तीसरे चित्र में हम मेंढक को देख रहे हैं। मेंढक अपने जीभ के द्वारा जीव जंतुओं को आकर्षित करके अपनी तरफ अपने मुंह में डाल लेता है। तो इस तरह से मेंढक जीभ के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तितलियां फूलों का रस नलिका जैसी आकृति के द्वारा ग्रहण करती है, यानी चूसती है। उसी तरह मधुमक्खी भी चूस के यानी फूल पौधों से रस को ग्रहण करके अपने भोजन ग्रहण करती है। अब कशेरुकी जीव, यानी इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो कशेरुकी जीव क्या करते हैं, जबड़े तथा दांत के द्वारा, आपको अपने आप याद आ रहा होगा कि किस तरह से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, और जबड़े और दांत से पीस कर उसको निगलते हैं। तो कशेरुकी जीव जबड़े तथा दांत के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम आगे आते हैं कि हमारे द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण किया हुआ भोजन किस तरह पचता है। तो बच्चों हम जो भोजन करते हैं उनमें से अधिकांश का उपयोग शरीर में सीधे नहीं हो सकता, यानी चावल चावल की तरह से उसे हम उसके अंदर से पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हम जो भी भोजन करते हैं उसमें से अधिकांश का उपयोग शरीर में सीधे से नहीं हो सकता, उसे ऐसे उसमें बदलना पड़ता है जिसके द्वारा हम शरीर उसका उपयोग कर सके, और जो जब बदलता है उस क्रिया को हम कहते हैं पाचन कहते हैं। तो भोजन का पाचन शरीर में भीतरी अंगों में होता है, इसलिए हमें इस क्रिया को देख नहीं सकते। हम तो भोजन ग्रहण करते हैं दांतों से पीस करके उसको अंदर में पहुंचा देते हैं, अंदर में क्या हो रहा है हमको पता है क्या, नहीं। भीतरी अंगों में उसमें क्या क्रिया हो रही है हम ये नहीं देख सकते। अब कार्बोहाइड्रेट युक्त तो भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट हो,
चावल में कार्बोहाइड्रेट होगा, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होगा, मक्के की रोटी में, बाजरे की रोटी में, हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरह से दाल में प्रोटीन होता है ना, दूध और घी में वसा होता है। तो इन सब चीज़ का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे मुंह से। हमारे मुंह में हम जब उसको चबाते हैं तो चबाने के बाद में लार उसमें मिल जाती है, यहाँ से ही हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन मुख गुहा से ग्रसनी द्वारा ग्रास नली में होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। यानी हमने मुख गुहा यानी हमारी मुंह जो गुफा जैसी है ना, उसके अंदर हम भोजन को डालते हैं, वहां पे उसको चबाते हैं। चबाने के बाद में वह ग्रसनी से होती हुई कहाँ जा रही है? ग्रास नली। और फिर वहां से होती हुई कहाँ पहुंची? वो अमाशय में पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, अमाशय में और आंत तथा पाचक ग्रंथियों में से निकलता है पाचक रस, है ना। भोजन अमाशय में पहुंचा और वहां पर आंत भी है और पाचक ग्रंथियां भी हैं, उनमें से क्या निकलता है? पाचक रस। और वह पाचक रस भोजन में मिल जाता है और वहां पे मर्ण यानी कार्बोहाइड्रेट, मर्ण शेष भाग तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन करने में सहायता करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ प्रोटीन और वसा कैसे आते हैं? बच्चों, हम सिर्फ चावल ही नहीं खा रहे, हम रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, और सब्जियों में तेल भी होता है, घी भी होता है ना, दही में। तो यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है आपको। यहाँ प्रोटीन भी आपके भोजन के द्वारा अंदर में जा रहा है, वसा भी जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है। और यह सब जब हमारे मुंह में पीस करके ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है और वहां पर अमाशय में भी पाचक रस होता है, आंतों में भी, और पाचक ग्रंथियों में से निकलता है पाचक रस। और वह पाचक रस इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन करने लगता है। और वहां पे वो क्या करते हैं, भोजन के जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में बदलता है। यानी जटिल यौगिकों यानी आप देखते होंगे बच्चों कि हमने सहगे यानी सहगे चावल खाए है ना, परंतु वह अंदर में जाने के बाद पिस जाता है एकदम से। कई बार आप ओमीट में आपने देखा होगा कि वो कुछ अलग ही रूप में बाहर निकलता है। तो क्या होता है, वहां पर अंदर में उसकी क्रिया होती है और वह क्या करते हैं, जटिल अणु किसमें बदल जाते हैं? सरल अणुओं में बदल जाते हैं। अब सरल अणुओं में भोजन का हो तो गया पाचन। अब पाचन के द्वारा अंदर में ही क्या होता है, छोटी आंत अपने आवश्यक तत्वों को ग्रहण कर लेती है, यानी उन्हें जो भी चीज़ की आवश्यकता है उस भोजन में से, तो अवशोषण करती है छोटी आंत। और वो रक्त के द्वारा कोशिकाओं में यानी शरीर के सब भागों में, आप सब भागों में आपने देखा होगा कि कहीं भी कटता है तुरंत खून निकलता है। तो जो पोषक तत्व हमारे शरीर के नख से लेके सिख तक किसके द्वारा पहुंच रहा है पोषक तत्व? रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। आप इस नाम से ही जानते होंगे, देखो इसको अगर हम तोड़ते हैं, स्वधन अंगीकरण यानी इसको हमने स्वीकार किया, जो आवश्यक तत्व है उसको हमने स्वीकार किया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्वांगीकरण। और इस तरह से हमने क्या था, जो आवश्यक तत्व है उसे हमने ग्रहण कर लिया। अब अनावश्यक तत्व उसमें अपचित पदार्थ और जो हमें आवश्यक नहीं है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो इस पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। तो यह अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और किस तरह से निकाल दिए जाते हैं हम आगे देखते हैं। बच्चों, आपको चित्र में पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से मुंह में लार ग्रंथि में हमारा भोजन पूरा लार में मिला, ग्रसनी और से ग्रास नली, और ग्रास नली से वो यकृत और अमाशय में पहुंचा, वहां पर उसका पाचन हुआ, उसमें से जो छोटी आंत है उसने आवश्यक तत्वों को अंतग्रहण कर लिया, और बड़ी आंत और मलाशय यानी जो अपशिष्ट पदार्थ वो पहुंचे मलाशय में, और मल द्वार के द्वारा वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है कि मनुष्यों में क्या होता है, पाचन बाह्य कोशिकीय द्वारा होता है, किंतु अमीबा जैसे जंतुओं में पाचन कोशिका के अंदर होता है, क्योंकि भोजन के कण सीधे कोशिका में प्रवेश करते हैं जहाँ पाचक रस द्वारा उसका पाचन किया जाता है। बच्चों, आपने अमीबा का चित्र देखा, अमीबा का चित्र कैसे भी बना दो अमीबा ही कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई निश्चित आकृति नहीं है। और अमीबा को आपने जानते हो तो एक कोशिकीय जीव है,
उसकी एक कोशिका के अंदर में ही उसके सभी चीज मौजूद है, सांस लेने से लेकर के शरीर से बाहर निकालने, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने तक के अंग वहीं पे होते हैं, यानी वो एक कोशिकीय जीव है। तो क्या होता है, मनुष्यों में तो अलग अलग पार्ट है निर्धारित है कि यहाँ से भोजन ग्रहण किए और यहाँ से भोजन का पाचन होगा और यहाँ से भोजन के अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकाल देंगे। हर एक अलग अलग पार्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, परंतु अमीबा में नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो उसके अंदर में क्या होता है, भोजन का पाचन उसी कोशिका के अंदर होता है। तो मनुष्यों में पाचक पाचन कहाँ होता है, बाह्य कोशिकीय द्वारा होता है, किंतु अमीबा जैसे जंतुओं में पाचन कोशिका के अंदर होता है, क्योंकि भोजन के कण सीधे कोशिका में प्रवेश करते हैं, वहां पर पाचक रस द्वारा उसका पाचन किया जाता है। तो इस प्रकार शरीर में भोजन लेने यानी ग्रहण करने, उसके पाचन और शरीर के द्वारा पचे भोजन का उपयोग करने तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मैं फिर एक बार बोलती हूँ बच्चों, कि शरीर में भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन और पचे हुए भोजन का उपयोग और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पोषण। कोशिका के विभिन्न कोशिका में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम। तथा लार तथा पाचक रसों में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम बच्चों बने होते हैं प्रोटीन के, और ये हमारे अंदर में जो भी प्रक्रिया होती है उसको उत्प्रेरित करते हैं, यानी उसको करने की उत्प्रेरणा देते हैं, वो यानी उसको मदद करते हैं उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने सीखा जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आप ये जानते होंगे बच्चों कि जिस दिन आप भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, उस दिन आपको कैसा लगता है, थका थका लगता है, 2 दिन भोजन मत करो, आप बिस्तर में पड़ जाओ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जीवित रहने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता है। अब हम आते हैं पौधों की तरफ, कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तीसरा हमने सीखा, अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु क्या होते हैं, परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या हुए, स्वपोषी, और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है वो परपोषी, उसके अंतर्गत जंतु यानी हम लोग आते हैं। हमने सीखा बच्चों इस पाठ में कि कुछ पौधे पूर्णतया परजीवी होते हैं, जैसे अमर पेड़, आंशिक परजीवी जैसे कि भांगरा, मृतोपजीवी जैसे कि कुकुरमुत्ता, सहजीवी जैसे हमने बताए थे मटर, अरहर, ये क्या है, सहजीवी है, और कीट भक्षी, इस तरह के पौधे होते हैं। कीट भक्षी में किसका उदाहरण दिए थे हमने, कलश पौधे। जंतुओं में पोषण के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है, यानी हम मनुष्यों में क्या होता है, और भी जो जीव जो कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, उसको पचाते हैं, पचे हुए में से जो आवश्यक है उसका अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण, तथा अपशिष्ट जो उनके लिए अनुपयोगी है उसका उत्सर्जन मूत्र और मल के रूप में बाहर करते हैं। मनुष्य में पाचन पाचक अंगों तथा पाचक ग्रंथियों के आपस में मिलजुल कर कार्य करने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि भोजन भूख के द्वारा अंदर गया, रास नलिका, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय मल द्वारा, ये सब मिलजुल करके कार्य करते हैं, तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, कि हमने इस पाठ में जो पढ़ा उसका कक्षागार, हाँ, तो क्या है बच्चों, हमने देखा और इस पाठ में सीखा कि पाचन क्रिया में भोजन के जटिल यौगिक को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जिस रूप में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, अंदर जाने के बाद वह उस रूप में नहीं रहता है, वो जटिल यानी कठिन अवस्था से उसको सरल रूप में बना दिया जाता है। जटिल यौगिकों को किस में बदल दिया जाता है, सरल अणुओं में बदल दिया जाता है।
अब ये सरल अणुओं का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा, और यह रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। मैंने आपको कहा ना, शरीर के पूरे भागों में रक्त के माध्यम से उसका अवशोषण होता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में अंतः कोशिकीय पाचन होता है। जैसे हमने मैंने आपको बताया कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें सभी कार्य करने के लिए अलग अलग वो नहीं है। वहाँ पे भोजन उस कोशिका के अंदर में जाएगा, वहीं उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, लार में मिलता है, फिर ग्रास नली से होता हुआ वो अमाशय में पहुँचता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, परंतु नहीं, अमीबा में एक एक कोशिकीय जीव होने के कारण जैसे ही भोजन ग्रहण किया जाता है तुरंत उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा उस पे कुछ कक्षा कार्य करते हैं। सबसे पहले हम खालिस्तान की पूर्ति करें कि जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यानी जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आप सभी चीज हो सकता है। जैविक क्रियाएं कैसी होगी? हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबके लिए हमको किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये ऊर्जा की आवश्यकता, तो जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। दूसरा खालिस्तान है पाचक ग्रंथियों में बने खालिस्तान द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो पाचक ग्रंथियों में पाचक रस होता है, हमने देखा कि जैसे ही अमाशय में पहुंचता है वहां पे अलग अलग उसमें से पाचक रस निकलते हैं और वह भोजन का पाचन करना प्रारंभ करते हैं। तो पाचक ग्रंथियों में बने पाचक रस के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि अमीबा में पाचन खालिस्तान में होता है। हमने पढ़ा ना, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय, उसमें जैसे ही भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है तुरंत उसका पाचन हो जाता है। तो अमीबा में पाचन कोशिका में होता है। चौथा खालिस्तान है मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण खालिस्तान द्वारा होता है। पूरा भोजन की प्रक्रिया हो गई, यानी भोजन अंदर ग्रहण किया गया, पाचक रसों द्वारा उसका पाचन हो गया। अब उसमें जो पोषक तत्व है, तो मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। अब हम आते हैं बच्चों आपके होमवर्क पे, जिसको बोलते हैं गृह कार्य। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वपोषी तथा परपोषी की पोषण विधि में क्या अंतर है? तो बच्चे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्वपोषी यानी कि स्वयं के देखरेख, स्वयं के लिए सभी काम को स्वयं करना, परपोषी यानी दूसरों पर निर्भर होना। तो यही एक मेन अंतर हो गया कि स्वपोषी अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, तथा परपोषी क्या होते हैं? अपने लिए अपने भोजन पर दूसरों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। तो यही मेन अंतर है कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा परपोषी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, परजीवी मृतोपजीवी सहजीवी को उदाहरण के द्वारा समझें। परजीवी जैसे नाम से है कि दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरों के पर, जैसे दूसरे ने भोजन बनाया खुद ग्रहण कर लिया, अमर भी इसका एक उदाहरण है। वह अपने पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर, इसलिए उन्हें परजीवी कहते हैं, उदाहरण के लिए अमर भी। मृतोपजीवी इसका उदाहरण है कुकुर, जिसको हम मशरूम कहते हैं। ये कहाँ पर उगता है? सड़े गले मरे हुए जीव जंतु में, वहाँ पर वो उत्पन्न होता है और अपना जीवन अपने लिए पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो ऐसे जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे इन्हें कहते हैं हम मृतोपजीवी। सहजीवी जिसका उदाहरण है मटर, मटर का पौधा, चने का पौधा। हमने पढ़ा कि इनकी जड़ों में गांठे जैसी आकृति पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, और पौधों द्वारा भोजन बनाए हुए वो खुद भी ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन की मदद पौधों को करते हैं। इस तरह वो अपना जीवन एक दूसरे पर निर्भर रहकर करते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? सहजीवी पौधे। तो आपको उदाहरण प्रण मिल गया, परजीवी का उदाहरण है अमर बेल, मृतोपजीवी का उदाहरण है कुकुरमुत्ता, सहजीवी का उदाहरण है मटर और चने का पौधा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे, अमीबा तथा हाइड्रा के
अंगों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अपन ने चित्र में देखा बच्चों, अमीबा एक कोशिकी जीव है, उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती, पर जैसे ही भोजन उसके पास में आता है वह अपने फूटपाथ को उस भोजन के चारों तरफ घेर लेता है। तो अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए फूटपाथों का प्रयोग करता है। और हाइड्रा में स्पर्शिकाएं निकली हुई होती है ना, तो हाइड्रा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए स्पर्शकों का प्रयोग करता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, और मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको चित्र दिया गया बच्चों, उसको देख करके उसे बनाइए। तो इस तरह बच्चों आज हमारा पार्ट 9 सजीवों का पोषण यहाँ समाप्त। धन्यवाद।